साइड से कुछ इस तरह का दिखता है यहाँ पे मैंने बच्चे के ऊपर पहनकर आपको दिखाया है गाइस वेलकम टू माय चैनल इजी क्लासेस तो देखिए फ्रेंड्स एक ही कैप लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सुंदर सी कैप है इस तरह से देखिए ये जो है बच्चे के कान के एरिए को ढकने के काम आएगा ये नीचे जो बेल्ट है और ये देखिए बैक साइड से इसका जो लुक है ना वो बैक साइड का है। ये देखिए इसका जो सिर है बच्चे का पीछे का ये इस तरह से ये लुक देता है इसको आप इस तरह से देखिए खोल भी सकते हैं और इसको बंद भी कर सकते हैं और ये जो है मैंने आई आईकॉड बनाई हुई है ठीक है आई आईकॉर्ड बनाना जो है मैंने मेरे चैनल पर बताया हुआ है अगर आपने आई आईकॉड का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे, दे दूंगी सैम जिस तरह से ये आई आईकॉर्ड बनाई जाती है वैसे तो मैंने इसमें भी बताया हुआ है बिगनर्स के लिए तो ये देखिए इसका जो मेन पार्ट है वो ये बैक है इसका ये देखिए बहुत खूबसूरत लगता है ये बैक पार्ट और वूल जो है इसमें गाइज सिक्सटी टू सेवेंटी ग्राम के अप्रोक्स इसमें ऊन लग गई है ठीक है साठ से सत्तर ग्राम ऊन लगी है इसमें और सलाइयाँ मैंने यहाँ पर नाइन नंबर की नीडिल यूज की है ठीक है क्योंकि ये वूल जो है ना थोड़ी सी ये यह देखिए यहाँ पर थोड़ी सी थिक है तो इसलिए मैंने इसको नौ नंबर की सलाइयों से बनाया है तो आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए फिर देख लेते हैं इसको किस तरह से बनाना है और हाँ साइज जो है इसका आपको डेढ़ से दो साल के बच्चे को ये बहुत आराम से आ जाएगा जो मैंने साइज इसमें बताया है ठीक है थिक वूल से बताया है दो साल के बच्चे को बहुत आराम से आ जाएगा तो चलिए फिर देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है अभी देखिए यहाँ पे इस कैप को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये थोड़ी सी थिक वूल यूज कर रही हूँ नॉर्मल वूल से थोड़ी सी थिक है फाइव प्लाई वूल है और नौ नंबर का मैं यहाँ पे देखिए निडिल यूज़ कर रही हूँ ठीक है नौ नंबर की सिलाइयाँ और ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई पे अठहत्तर फंदे ले लिए हैं सेवेंटी एट स्टिचेस डाल लिए हैं ठीक है अब मैं यहाँ पे तीन सलाइयाँ जो है सीधी सीधी बनाऊंगी दोनों तरफ से फ्रंट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी देखिए इस तरह से फंदे आपने नॉर्मल डालने हैं जैसे आप डालना चाहें देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से मैंने एक सिलाई सीधी सीधी की बना ली है अब रॉन्ग साइड से भी मैं सीधा ही बुनूंगी सॉरी ये मैंने रॉन्ग फ्रंट साइड के वाले फंदे डाले थे रॉन्ग साइड अब मैं यहाँ पे फ्रंट पे आ गई हूँ अब फिर से मैं यहाँ पे इसको सीधा ही बनाऊंगी। इसके बाद वाली जो सिलाई होगी उसे भी मैं सीधा बनाऊंगी ठीक है तो ये दो सलाइयाँ बनाऊंगी उसके बाद फिर मैं आपको इसका डिज़ाइन डाल के बताऊंगी और डिज़ाइन जो है इसमें जो मैं पैटर्न यूज़ करूंगी वो मैं आपको कम फंदों पे बताऊंगी क्योंकि इतने सारे फंदों पे ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स का कहना है कि उनको समझ में नहीं आता है सैम्पल पर बताया करूँ तो मैं इसके सैम्पल पर बताऊँगी ठीक है ये देखिए इस तरह से इसको कंप्लीट करती हूँ देखिए दो सिलाइयां मैंने बना ली अब मैं यहाँ पे रॉन्ग साइड से हूं फिर से मैं एक सिलाई सीधी बनाऊंगी उसके बाद फिर मैं आपको डिजाइन डाल के दिखाऊंगी ये देखिए ये देखिए यहां पे मैंने ये सॉरी गाइस तीन लाइंस डाल दी अब यहां पे मैं आपको डिजाइन डाल के बताऊंगी तो देखिए जस्ट ये तीन सिलाइयाँ, तीन लाइंस मैंने यहां पे तीन सिलाइयाँ सीधे सीधे की बनाने के बाद अब मैंने यहां पे ये इतना बना लिया है ठीक है अब मैं इसको आपको मेजर करके बता देती हूं कि ये मैंने कितना बनाया है देखिए साढ़े छह इंच मैंने यहां पे ये बना लिया है हाँ जी साढ़े छः इंच मैंने यहाँ पे बना लिया है अब मैं मैंने ये जो पैटर्न डाला है ये जो डिज़ाइन डाला है ये मैं आपके साथ छोटे पैटर्न पे शेयर करूँगी ठीक है क्योंकि सिलाई में इतने सारे फंदे होते हैं तो इसके साथ इतना मतलब इतना सारा शेयर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक लाइन निकालने में बहुत टाइम लगता है तब तो मैं आपको इसको छोटे में बताऊँगी छोटे सैम्पल में कुछ फंदे डाल के चार फंदों का ये पैटर्न है और बारह फंदों पर मैं आपको बताऊँगी डाल के और एक मैं जो है स्टार्टिंग में एज स्टिच रखती हूँ ये वाला और ये लास्ट में एक फंदा रखती हूँ तो मैं चौदह फंदों पे आपको ये बनाना बताऊंगी पैटर्न और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे जो मैंने तीन बनाई बनाना बताई थी आपको उसके बाद उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने इसको साढ़े छः इंच तक बनाना है ठीक है तो अब देखिए इस पैटर्न को सबसे पहले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है चौदह फंदे लिए हुए हैं ठीक है थीके? मैं आपको जस्ट सैंपल पे बता रही हूँ इसको क्योंकि जो कैप में मैंने फंदे डाले हैं ना उसमें इतना बड़ा बताना पॉसिबल नहीं होता है तो देखिए यहाँ पे मैंने फोर्टीन स्टिचेस लिए हैं और चार फंदों का ये डिज़ाइन है ठीक है फोर के गुणे में पड़ता है चार फंदों पे ये डिज़ाइन डल के चार 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 आप इसमें फंदे डाल सकते हैं और एक एक मैंने जो लास्ट में और आ, स्टार्टिंग में एज स्टिच के लिए रखा हुआ है ठीक है जस्ट तो छः सलाइयों का वैसे तो डिज़ाइन है सिंपल सिंपल बनानी है लेकिन ये बारह सिलाइयों में कंप्लीट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा किरम बदल देते हैं इधर उधर आगे पीछे कर देते हैं उससे ये पैटर्न बन के आ जाता है तो मैं आपको आज अभी सभी सिलाइयाँ चार पूरे बारह सिलाइयाँ बना के इस पैटर्न की बताऊंगी ठीक है बहुत अच्छा लगता है कैप वगैरह में अगर आप इसको यूज करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे मैंने जो वूल यूज की है वो नॉर्मल सॉरी थोड़ी सी थिक वूल यूज की है नाइन नंबर का नडील यूज़ किया हुआ है, है ना जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ चलिए अब देख लेते हैं इसको किस तरह से बनाना है फ्रंट साइड है फर्स्ट रो है एज स्टिच को हम इस तरह से निकाल लेंगे धागा अपनी तरफ लाएंगे तीन फंदे उल्टे बनाएंगे वन टू थ्री धागा पीछे जाएगा एक फंदा हम सीधा बनाएंगे बस यहीं से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा वन टू थ्री फिर से सीधा वन टू थ्री अब एक फंदा सीधा और जो लास्ट का हमने स्टिच रखा है वो हम सीधा ही बनाएंगे फ्रंट साइड से ठीक है अब सेकेंड रो है हमारी रॉन्ग साइड से है तो रॉन्ग साइड से हम पूरी सिलाई जो है उल्टी उल्टी बनाएंगे इसमें इस पूरी बारह सिलाइयों में जो रॉन्ग साइड से हम निकालेंगे सिलाइया वो पूरी उल्टी उल्टी ही बनाएंगे ठीक है रॉन्ग साइड से हम कोई डिजाइन नहीं डालेंगे बहुत ही सिंपल है इवन बिगनर्स भी बहुत आराम से बना सकते हैं अगर आपको सिर्फ उल्टा और सीधा बनाना आता है तो आप इसे बहुत अच्छे से बना सकते हैं देखिए इस तरह से मैं अभी आपको एक सिलाई उल्टी साइड से बना के बताती हूँ तो आप नेक्स्ट जो उल्टी सिलाइयाँ होंगी जब भी आएंगी तो उसे उल्टी ही बनाइएगा अपने आप इसी तरह से अब देखिए तीसरी सिलाई पे है तो जस्ट जैसे हमने यहाँ पे पहली सिलाई निकाली थी सेम वैसे ही हम तीसरी निकालेंगे वैसे ही बुनेंगे पहला फंदा स्लिप करेंगे तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री ठीक है एक फंदा सीधा एज स्टिच भी हम सीधा लेंगे उल्टी सिलाई हम पूरी पीछे से उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे चौथी सिलाई है ये हमारी इस तरह से पूरी रो को हम उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे ठीक है अब पांचवी सिलाई पे आ जाएंगे फ्रंट साइड से पांचवी सिलाई भी, सलाई भी आ, आ, रो वन रो थ्री की तरह बनाएंगे जैसे पहली और तीसरी सिलाई बनाई थी बिल्कुल सेम सिलाइयां बिल्कुल सेम चलेंगी जिस तरह से हमने पहली दूसरी सिलाई बनाई थी तीसरी तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा एज स्टिच को भी हम सीधा बना लेंगे अब देखिए छठवीं सिलाई है अब मैं रॉन्ग साइड पे हूँ पूरी रो जो है छठवीं सिलाई भी हम हर बार की तरह उल्टी बना लेंगे एच स्टिच तो हम स्लिप करते हैं जैसा कि आप जानते हैं अब देखिए यहां पे ये इस तरह से हमने छह सलाइयां बना ली अब बस थोड़ा सा फेर बदल करेंगे बनाएंगे तो सेम इसी तरह से बस क्या करेंगे कि ये जो फली आई है ना ये ये अब हम यहाँ पे बीच में लेंगे इस फंदे पे सेंटर में लेंगे इधर और ये जो तीन फंदे हैं वो इन तीन फंदों पे लेंगे वन टू थ्री मैं बता देती हूँ आपको देखिए एडस्टिच तो हम स्लिप कर लेंगे उसके बाद फिर हम धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बना लेंगे फिर धागा पीछे ले जाएंगे अब देखिए इधर हम ये फली लेंगे सेंटर में ये देखिए अब हम यहाँ से शुरू करेंगे वही अपना बेस डिज़ाइन तीन फंदे उल्टे एक, एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे फिर ये देखिए सेंटर में एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टी आ जाएंगे लास्ट में अब उल्टी सिलाई हमें ऑलवेज उल्टी ही बनानी है ठीक है रॉन्ग साइड से हमें पूरी रो उल्टी ही बनानी है पहला फंदा तो हम स्लिप कर लेते हैं उसके बाद पूरी रो को हम उल्टा बना लेंगे देखिए ये हमारी आठवीं सिलाई हो गई अब फ्रंट साइड से आ जाएंगे फिर से अब देखिए यहाँ पे ये बीच में फली आने लगी है है ना अब हम जैसे हमने ये छह सलाइयाँ बनाई थी यानी कि चार सिलाइयाँ हम सेम फिर से बना लेंगे जैसे हम इस समय बना रहे हैं ये देखिए एक पंदा उल्टा बनाएंगे फिर एक पंदा सीधा स्टार्टिंग में जो हमने छह सिलाई बनाई वैसे ही अब हम छलाइया बनाएंगे ठीक है ये हमारी नौवीं सिलाई है नाइन्थ रो है तीन फंदे उल्टे थ्री एक फंदा सीधा फिर से तीन फंदे उल्टे लास्ट में और उल्टी साइड से हम हर रो जो ये दसवीं सलाई है उल्टा बनाएंगे यानी कि हर सलाई जो है उल्टी साइड से हम उल्टी ही बनाएंगे ठीक है पहला फंदा स्लिप करेंगे इस तरह से पूरी लाइन उल्टी बनाएंगे हम देखिए अब ये हमारी यहां से जब हमने डिजाइन चेंज किया तो चार सिलाई हो गई ठीक है वैसे दस हो गई टोटल यहां से दस हो गई तो हम दो सिलाईया और बनाएंगे सेम ऐसी जो हम यहाँ पे पैटर्न चला रहे हैं एक सीधा तीन उल्टे देखिए बहुत इजी सा डिजाइन है आपको भी लग रहा होगा बहुत सादा है लेकिन ये कैप वगैरह में और जेंट्स के लिए तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी बहुत अच्छा लगता है ये स्पेशली कैप में इसका जो कैप का प्रोजेक्ट है वो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी इसकी मैं एक कैप बनाने जा रही हूँ ये देखिए तीन उल्टे ये देखिए रॉन्ग साइड से पूरी रो उल्टी बना लूँगी ये देखिए इस तरह से हम ये पैटर्न डालेंगे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये बनाने के बाद बहुत प्यारा लग रहा है तो जस्ट बारह सलाइयों का है आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा तो अब देखिए यहां पर मैंने इसको साढ़े छः इंच तक बना लिया है जस्ट सेम ऐसे ही फॉलो होता जाएगा ये पैटर्न ये, ये वाला डिजाइन जैसे मैंने आपको बताया यही रिपीटेशन होता रहेगा तो ये देखिए इस तरह से अब आपने आगे क्या करना है कि हमारे पास देखिए निड़ेल पे सलाई पे यहाँ पे सेवेंटी एट फंदे हैं ओके अठहत्तर फंदे मेरे पास हैं यहाँ पे अब मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करूँगी तो तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे अठहत्तर को तो छब्बीस फंदे मेरे साइड से आएंगे छब्बीस 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 फंदे तीन पार्ट में डिवाइड हो जाए डिवाइड हो जाएंगे तो सबसे पहले मैं जहाँ से हमारा ये धागा है वही छब्बीस फंदे बुनूंगी तो अब देखिए किस तरह से बुनेंगे अब यहाँ पे मैं जो छब्बीस फंदे बुनूंगी यहाँ पे मैं ये वाला जो डिजाइन बना रही हूँ वो नहीं बनाऊंगी सादा सादा बनाते हुए जाऊंगी। देखिए पहला फंदा मैं स्लिप करूंगी इस तरह से स्लिप करके मैं छब्बीस फंदे सीधे बनाऊंगी पूरे इसको काउंट करके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव और ये देखिए ट्वेंटी सिक्स मैंने ये यहाँ छब्बीस वन डे बोल ली अब मैं ये जो इधर के जो छब्बीस छब्बीस मैंने दो पार्ट में डिवाइड करूँगी ये नहीं भूलूंगी अब मैं यहीं से टर्न हो जाऊँगी ठीक है इसके बाद मैं दोनों साइड से सीधा बुनूंगी इधर से भी सीधा बुनूंगी देखिए वन इस पूरी रो को मैं छब्बीस पंदों को मैं सीधा बुन लूंगी देखिए उल्टी साइड से पूरी रो मैंने सीधी बुन ली अब यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड पे आ जाएंगे देखिए यहां पर ये यह हमारा अलग से डिवाइड हो गया अब हम यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा फर्स्ट तो हम स्लिप करेंगे उसके बाद फिर मैं ये जो दो फंदे हैं इनको दो का एक करूंगी देखिए बैक लूप से अब लास्ट के तीन फंदों तक हम इन्हें सीधा सीधा बनेंगे अब ये जो दो सलाइयां हैं इनको मैं रिपीट करती हुई जाऊंगी यानी कि हर सीधी सलाई पे मैं फंदे घटाती हुई जाऊंगी और ये मैं तब तक घटाती हुई जाऊंगी जिस तरह से मैंने ये सिलाई बनाई है ये देखिए लास्ट ये तीन फंदे आ गए अब इनको मैं दो का एक कर दूंगी ये देखिए अब रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई में सीधी बना लूंगी तो यही दो सिलाइयां मैं बार बार रिपीट करूंगी फ्रंट साइड से साइडों से मैं एक एक फंदा घटाऊंगी दो का एक करते हुए जब तक करूंगी मैं तब तक कि ऊपर मेरे पास यहां पे छह फंदे ना रह जाएं, ये देखिए फिर से मैं फ्रंट साइड आ गई तो मैं थोड़ा सा और बताती हूँ आपको फंदे को स्लिप करेंगे स्लिप करके फिर से दो का एक करेंगे और लास्ट के तीन फंदों तक इसी तरह से बनाएंगे देखिए लास्ट के ही तीन फंदे बचे अब यहाँ पे हम दो का एक कर देंगे अब बैक साइड से पूरी सिलाई को हम सीधा बना लेंगे इसी तरह से मैं इसको बनाती हुई जाऊंगी और तब तक बनाती हुई जाऊंगी जब तक कि लास्ट में मेरे पास यहाँ पे छह ना रह जाएं अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगी मैं आपको ये देखिए इस तरह से हम तीन पार्ट में इसको बनाएंगे और इसको हम बनाते जाएंगे जब तक लास्ट में छह ना रह जाएं इसके बाद फिर हम ये वाले छब्बीस फंदे उठाएंगे ठीक है ये जैसे ही हमारे बंद हो जाएंगे बन जाएंगे उसके बाद हम ये वाले छब्बीस फंदे उठाएंगे इनको हम जस्ट डिजाइन के अकॉर्डिंग जैसा हमने ये डिजाइन डाला है सेम वैसे ही बिना घटाए इधर से भी नहीं घटाएंगे इधर से भी नहीं घटाएंगे सीधा बनाते हुए जाएंगे पहले मैं इसको कंप्लीट करती फिर आपको दिखाती आगे क्या करना है अब ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे ये छह फंदे रह गए हैं इतना घटा लिया साइडों से इस तरह से आई ये अभी मैं आपको दिखा दूंगी अब क्या करना है देखिए दो चार छ अब क्या करना है हमें कि हर फंदे को दो का एक करना है तो यहां पे हमारे पास तीन फंदे रह जाएंगे ये देखिए दो का एक दो का एक और ये दो का एक पीछे से जस्ट ऐसे ही एक हम बना लेंगे एक सिलाई और देखिए इस तरह से ये आ गया हमारे पास मैं आपको दिखा देती हूं ये देखिए इस तरह से ट्रायंगल अब जैसा ये है सेम ऐसा ही हमें छब्बीस फंदों पे इस साइड बनाना है और बीच के जो छब्बीस फंदे हैं, वो सीधे सीधे बनाते जाने हैं अभी मैं आपको बताती हूं थोड़ा सा इसको जस्ट मैं सीधा बना लूंगी तीन फंदों को ठीक है अब देखिए क्या करना है अब मेरे पास ये तीन फंदे रह गए अब मैं यहाँ पे इसमें डोरी बनाऊंगी ठीक है आईकॉड बनाऊंगी अब आई कोड बनाने के लिए आपने करना क्या है एक इस तरह से जो डबल पॉइंटेड गला बनाने वाली सुइया वो सलाइयाँ होती हैं आपने ये ले लेनी है सेम नंबर में तो नाइन नंबर में मैंने ये गला बनाने वाली सलाई ले ली है अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी ध्यान दीजिएगा इस तरह से तीन फंदे बनाऊंगी देखिए पहला फंदा अब मैं स्लिप नहीं करूंगी देखिए वन टू थ्री आई कोड बनाऊंगी मैं यहां पर ठीक है अब ये हमारा अलग हो गया अब ये देखिए अब मैं ये जस्ट सलाई को इधर खिसका दूंगी इसीलिए मैंने ये पॉइंटेड नडल यूज की थी अब हम इसको पलट के नहीं बनाएंगे ध्यान रखिएगा ये जो धागा हमारा यहां पे है अब यहीं से हम दूसरी पॉइंटेड नीडल से हम सीधा बनाएंगे सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे देखिए इस तरह से ये देखिए अब फिर हम इसको इस तरह से इधर खिसका देंगे और दूसरी सिलाई ले लेंगे पॉइंटेड वाली देखिए इस तरह से हम तीन फंदों को एक ही जगह सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे वैसे तो आई कोड बनाना मैंने मेरे चैनल पे इसका सेपरेट वीडियो बताया हुआ है पर मैं अपने बिगनर्स के लिए जो मेरे बिगनर्स हैं उनके लिए मैं साथ ही साथ बताती चलती हूँ अब देखिए इस तरह से हमें ना इसको पलट के नहीं बनाना है और वीडियो को स्किप मत किया कीजिए क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आता फिर आप लोग बार बार पूछते हैं कि ये कैसे हुआ आपने ये पूरा नहीं बताया पूरा बताइए मैं देखिए पूरा डिटेल में बता रही हूँ आपको यहीं पे इसीलिए देखिए इस तरह से हमें स्लिप नहीं करना है फंदे को तीनों फंदों को इसी तरह से हमें बनाना है ये देखिए फिर से हम इधर आ जाएंगे और जितनी लंबी चाहें आप उतनी लंबी इस डोरी को बना सकते हैं इसे आप कहीं भी लगा लगा सकते हैं जैकेट में कार्डिगन में बच्चों के शू लेसेस में शू शूज में जो लेसेस बनाते हैं वो उसमें भी लगा सकते हैं देखिए सभी फंदों को हम इस तरह से बनाएंगे सीधा सीधा तो इसको मैं देखिए इस तरह से आ रही है ये देखिए गोल तो इसको मैं कंप्लीट करके तब दिखाऊंगी आपको उससे पहले मैं आपको यहां पे बता देती हूं थोड़ा सा अब हम यहां पे 26 फंदे उठाएंगे और सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे ये तो हमारा आई कोड का है अब हम यहां पे धागा लगा लेंगे अब ये 26 फंदे अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे जैसा हमने यहां पे डिजाइन डाला है तो देखिए इसमें हम कोई फंदा घटाएंगे नहीं ठीक है इस चीज का ख्याल रखिएगा डिजाइन बनाना मैंने आपको बता दिया है इसी तरह से आप बनाइए तीन उल्टे एक सीधा तीन उल्टे एक सीधा अब ये देखिए मैंने यहाँ ये 26 फंदे ले लिए अब मैं यहीं से फिर से रिटर्न हो जाऊंगी जैसे हम यहाँ इस वाले पार्ट में रिटर्न होके बनाया है तो पहले अब हम ये अब हम ये पार्ट बनाएंगे फिर उसके बाद जैसे हमने ये वाला पार्ट बनाया सेम ऐसे ही इसे बनाएंगे अब देखिए इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे हमारा जो डिजाइन है बस उसी को फॉलो करेंगे इसमें हम फंदे नहीं घटाएंगे बिल्कुल भी जस्ट डिजाइन के अकॉर्डिंग सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे अब देखिए फ्रंट साइड से आ जाएंगे जस्ट इसको अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाते हुए जाएंगे यहां से ये छब्बीस फंदे ठीक है तो इसको मैं पहले इतना लंबा बना लेती हूँ आपको बताऊंगी बाद में कि मैंने इसको कितना लंबा बनाया है पहले बना लेती हूँ और ऐसा ही सेम पार्ट में यहां पे बना लेती हूँ विद आई कॉर्ड आई कॉर्ड के साथ उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है अब ये देखिए मैंने यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसका सेकंड वाला ये बना के जो है कंप्लीट कर लिया है ठीक है ये यहाँ पर देखिए कॉर्ड भी मैंने बना ली है देखिए इस तरह से मैंने ये इतनी बड़ी कॉर्ड बना ली है ये देखिए इस तरह से ये आई है बनने के बाद ठीक है अब सेकंड वाला जो पार्ट था छब्बीस फंदों वाला ये मैंने बना लिया है अब मैं आपको इंची टेप से मेजर करके भी बता देती हूँ कि यहाँ से ये मैंने कितना बनाया देखिए ये मैंने बनाया है साढ़े चार इंच के आसपास है ठीक है लेकिन आपने कैसे बनाना है ये चीज़ देख लीजिए इसको आपने इससे नापना है ये जो पार्ट आपका बनाया है ना ये वी वाला इससे नापना है इस तरह से रखेंगे आप इस पार्ट को और इसको जो आपने बनाया है अभी इस तरह से आप नापेंगे क्योंकि ये जो यहाँ पे स्टिच किया जाएगा यहाँ पे ये और ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके बराबर आना चाहिए देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट इसके बराबर आया है और ये जो है ये इसके ऊपर आएगा इस तरह से ठीक है तो ये यहाँ से लेके कर यहाँ कॉर्नर तक आपने नाप लेना है तो ये कंप्लीट हो गया अब मैं इसके फंदे अब देखेंगे ये जो फंदे हैं मैं इसको सिलाई पर ही रहने दूँगी इसके बाद मैं यहाँ पे अब ये वाला पार्ट बनाऊँगी ठीक है और सेम ऐसे ही बनाऊँगी जैसे मैंने ये बनाया है इसके बाद इसको हम यहाँ से ले कर तक स्टिच कर देंगे ठीक है मैं आपको जैसे मैंने ये आईकॉड बनाई है मैं आपको थोड़ा सा इसको स्टिच करके बता देती हूँ तो अब आप ये देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट मैंने आपके सामने बना दिया था और ये वाला भी मैंने सेम एग्जैक्टली ऐसा ही बना लिया है और यहाँ पे इसको मैंने जस्ट सीधा सीधा बनाती हुई गई हूँ इसको मैंने इसके साथ इस तरह से हम रखेंगे देखिए उल्टा और इसके साथ हम इस तरह से नापेंगे ठीक है तो ये देखिए बिल्कुल बराबर आ गया है दोनों साइड से ही आप देख सकते हैं ये देखिए ये देखिए दोनों साइड से सेम आ गया है अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे देखिए और देखिए मैंने दोनों तरफ से ये आइकॉन बना के कंप्लीट कर लिए अब देखिए इसको मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट पार्ट मेरा ऊपर रहेगा ठीक है थोड़ा सा कैमरे को क्लोज अप दे देती हूँ यस और इस तरह से हम सुई में धागा ले लेंगे है ना और इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करेंगे अब देखिए किस तरह से देखिए यहाँ पे हमने ये ज्वाइंट किया है तो इस तरह से हम देखिए जस्ट नॉर्मली इसी तरह से इसको स्टिच कर लेंगे हम यहाँ पे देखिए इधर का ये एक ले लेंगे हम इस तरह से और एक ये लेंगे देखिए पूरा हमने लास्ट तक इसको देखिए सिल लिया है ठीक है सेम एग्जैक्टली हमें इस साइड भी इसको सिलना है देखिए इस तरह से यहाँ पे इसको भी सिलना है तो पहले मैं इसको भी सिल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ अब ये देखिए मैंने यहाँ पे ये दोनों साइड से ये वाला पार्ट स्टिच कर दिया है ठीक है अब ये वाला जो पार्ट है हमने जो बनाया है आई कॉर्ड वाला वो देखिए इस तरह से आया है ये आई कोड वाला एरिया इस तरह से आएगा ये देखिए ये ठीक है आप इसमें पॉम, पॉम भी लगा लीजिएगा इसको हम इस तरह से बैक साइड पे इस तरह से बांध देंगे और यहाँ पे पोम पोम चाहें तो लगा लीजिएगा या कोई भी डेकोरेशन का पीस ये देखिए यहाँ पे ये बच्चे का सिर आएगा अब देखिए इसके बाद क्या करना है अब देखिए अब आपने करना क्या है ये जो एरिया है आपने ये जो चेंज दिख रही हैं इस साइड आपने यहाँ पे फंदे भरने हैं ठीक है थीके? इधर भी और इधर भी दोनों साइड ही आपने फंदे भरने हैं तो अब देखिए किस तरह से भरना है वो मैं आपको बताती हूँ आप देखिए इस तरह से धागा ले लेंगे अब देखिए ये आगे वाली जो चेन दिख रही है इसमें देखिए वन थ्री चार पच छः सात आठ नौ आठ नौ थर्टी वन और ये लास्ट में थर्टी टू देखिए थर्टी टू फंदे हमारे पास यहाँ पे आ गए ठीक है अब देखिए क्या करूँगी मैं अब मैं एक सिलाई पे चालीस फंदे के आसपास डाल दूँगी चालीस या बयालीस फंदे मैं डाल दूँगी देखिए नॉर्मली इस तरह से दो अब देखिए मैंने यहाँ पे ये फोर्टी टू स्टिचेस डाल लिए बयालीस फंदे डाल लिए अब देखिए मेरे पास यहाँ ये जो इसमें धागा लगा हुआ है यहीं से मैं इसको इस तरह से सीधा ये जो फंद देखिए ये प्लस हमने सलाई पे जो फंदे लिए हैं यहाँ पर ये जितने भी ठीक है यहीं से मैं इनको सीधा बनाने लग जाऊँगी देखिए इस तरह से जी देखिए तो सिलाई पे मेरे पास जितने भी फंदे हैं मैंने यहाँ तक सीधा बना लेती हूँ ये देखिए मैंने सभी फंदों को बना लिया यहाँ पे ये देखिए अब मैं यहाँ पे जो फंदे हैं देखिए ये इनको उठाऊँगी ठीक है जैसे मैंने यहाँ पे इस साइड से थर्टी टू फंदे उठाए थे सेम में इधर से भी ये थर्टी टू फंदे उठाऊंगी अब देखिए किस तरह से वन टू थ्री फोर अब देखिए मैंने यहाँ पे पूरे थर्टी टू फंदे उठा लिए अब मैं यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड आ जाऊँगी तो यहाँ पे देखिए मेरे पास फोर्टी टू फंदे मैंने यहाँ पे भरे ठीक है थीके? फिर थर्टी टू फंदे इधर फिर बीच में छब्बीस फंदे फिर थर्टी टू इधर अब मैं चाल बयालीस फंदे फिर से इस सिलाई में डालूंगी जस्ट तीन चार सिलाइयाँ बनानी है बस हमें देखिए वन टू इस तरह से देखिए थ्री इस तरह से देखिए फोर फाइव सॉरी सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन तो अब देखिए यहाँ पर मैंने फंदे डाल लिए। अब हमारी सिलाई पे काफ़ी सारे फंदे हो गए अब हम क्या करेंगे पूरी सिलाई यहाँ से सीधी और फिर उल्टी साइड से भी सीधी फिर दस से सीधी फिर इस तरह से चार सिलाइयाँ चार या छह सिलाइयाँ हम बना लेंगे ठीक है दोनों तरफ से सीधी सीधी बना के कंप्लीट करेंगे तो ये हमारी जो बच्चे की बेल्ट होती है बांधने वाली बस वो बन जाएगी तो जस्ट सीधी सीधी हम चार सिलाइयाँ बना लेंगे अब इन सभी फंदों की बहुत सारे फंदे सलाई पे आप चाहें तो सर्कुलर नीडल का यूज़ कर सकते हैं जो बड़ी वाली सिलाइयाँ होती हैं नौ नंबर की उनका यूज़ कर सकते हैं देखिए जस्ट ऐसे ही दोनों तरफ से आपने सीधा सीधा बना लेना है तो फिर मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ उसके बाद फिर आपको फ़ाइनल दिखाती हूँ इसका तो आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये मेरी कैप बनकर तैयार हो गई है देखिए मैंने ये जो आप फंदे भरे थे यहाँ पर ये देखिए ये वाले फंदे हैं वो फोर्टी टू जो स्टिचेस लिए थे साइडों से है ना और ये यहाँ पे जो मैंने स्टिचेस जो भरे थे वो थर्टी टू थे और पीछे के जो ट्वेंटी सिक्स थे है ना तो ये जो मैंने सीधी सीधी की चार छः सलाइयाँ बना ली थी काउंट करके दो चार छः हाँ छह सलाइयाँ बना के और जस्ट ऐसे ही सिंपल इसको बंद कर दिया था ठीक है तो इस तरह से हमारी ये जो है कैप बनकर तैयार हो गई है देखिए बहुत प्यारी कैप आई है देखिए इस तरह से इसको हम पीछे टाई कर देंगे देखिए ये जो डिज़ाइन आ रहा है यहाँ से मैं दिखा देती हूँ आपको ये देखिए और चाहे तो यहाँ पे आप एक एक पम्पम लगा सकते हैं ये देखिए इस तरह से आप इसे बहुत ही प्यारी लगती है और बहुत ही इजी तरीके से बनी है बहुत आसान तरीके से बन जाती है इस तरह से आप ये बैक साइड है बच्चे का ये बैक साइड है और ये जो है सिर के ऊपर इस तरह से लुक आएगा इस कैप का ये आप देख सकते हैं तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए कर दीजिएगा बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो आपको समय से और सबसे पहले मिल जाए ऐसे ही और भी बच्चे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही है और इसमें जो है ना बच्चा बहुत अच्छे से बॉम्ब रहता है क्योंकि आजकल बच्चे क्या है ना कैप को हटा के फेंक देते हैं है ना तो इसमें ये जो डोरी बंधी होती है ना इससे बच्चे इसको हटा नहीं पाते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और शेयर कीजिएगा सभी के साथ थैंक यू